बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ हमारे मज़ेदार से शो में, जिसका नाम है रिवायतों की लज्जत। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क या शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे किसी भी तकरीबात में या आप कहें कि मिल बैठने का एक बहाना खाना नहीं होगा। स्पेशली हमारे कराची में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम कराची वालों के पास यही एक एक्टिविटी होती है कि हम कहीं डाइन आउट के लिए चले जाते हैं, या फिर एक दूसरे घर पे डिनर या लंच के लिए चले जाते हैं, या फिर एक पिकनिक कर लेते हैं या वन डिश कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एक आउटिंग भी हो जाती है। इन शॉर्ट यानी कि मिल बैठने का बहाना या फिर ले दे के हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है, आउटिंग करनी है, कुछ भी करना है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर रखना है, तो उसमें खाना जो है वो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट होता है और लाजमी होता है। तो इसीलिए हम लेके आते हैं आपके लिए नित नए खानों की रेसिपीज़, लेकिन रिवायती रेसिपीज़, ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें उस पुराने वक्त को जो शायद हम कहीं भूल गए हैं बनाना, या आजकल हम फास्ट फूड के दौर में या फिर कॉन्टिनेंटल में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम शायद अपनी कुछ रिवायात को मिस कर रहे हैं। तो जनाब, आज जो हम बनाने जा रहे हैं हमारी रेसिपी, यानी कि मैं नहीं, जो मेरी गेस्ट हैं जो रेसिपी बनाएंगी आज, वो भी कुछ ऐसी रिवायती रेसिपी बना रही हैं जो कि पाकिस्तान में खैर कह सकते हैं स्पेशली तमाम तकरीबात में वो रखी जाती थी, एक वक्त था, और कहीं भी वो मीठा है बेसिकली। कहीं भी कोई दावत होती थी या किसी को दावत पे बुलाया जाता था तो वो मीठा ज़रूर बनता था। बाकी डिस्कशन अपनी गेस्ट के साथ करेंगे, तो मैं सबसे पहले इन्वाइट करती हूँ इफ़त को। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग ग्रेट और फेस पैक। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। सफर बिल्कुल ठीक जनाब। हमारे नाज़रीन जो हमें देखते हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि इफ़त जी को हमने दोबारा से बुलाया है। बहुत पसंद किया गया था इनका खाना, हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इनको हम दोबारा से बुलाएं और इनसे कुछ डिफरेंट रेसिपी बनाना सीखें। तो आज ये एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हैं। अच्छा जी, हम रिवायती मीठे की बात कर रहे थे, तो रिवायती मीठों में आता है जर्दा। आलू का सर, बिल्कुल जर्दा। नहीं नहीं नहीं, ये अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। आप देखें, जर्दा आता है, जर्दा हम सब शौक से खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिरयानी के साथ जर्दा मिक्स करके खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है आलू का जर्दा? सुना है? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। जब मैंने देखा इनका इंट्रो और मैंने पेपर देखा, तो उससे मुझे नज़र आई रेसिपी का नाम आलू का जर्दा। तो फिर मैंने कहा यार आलू का जर्दा ये क्या है, मैं दोबारा से रीचेक किया, मैंने कहा आलू का जर्दा कैसे बनता है। जब इफ़त से बात हुई तो उन्होंने कहा यही तो रेसिपी है, यही तो बताऊंगी मैं आपको। आप मुझे बिल्कुल अपनी जगह संभाली सबसे पहले तो, और फिर आप मुझे बताइए कि कैसे बनेगा आलू का जर्दा। देखिए वर्दा, ये रियली वेरी डिफरेंट डिश, और हम जब भी ये बनाते हैं तो अपने घर में हम बड़ा इसका एक क्विज सा खेलते हैं, बाकायदा इस पर एक प्राइज रखते हैं कि आप ये पहचाने कि ये डेजर्ट एक्चुअली किस चीज़ का है। तो लोग कोई भी आलू पे नहीं पहुँचता, कोई गाजर का हलवा बोल देंगे, गाजर का जर्दा, कोई कैबेज, आई मीन ऑल सब वेजिटेबल्स आर देयर, बट आलू को कोई नहीं बोलता। नहीं तो ये वाकई डिफरेंट यूनिक चीज़ है, इसमें एक सीक्रेट है, वो जाहिर रिवील करना पड़ेगा कि हम ये आलू जो हैं हमारे यहाँ पानी में भीगे हुए हैं, लेकिन ये सिंपल पानी में नहीं भीगे हुए, हमने आलू छील के कद्दूकश करा और श्रेड किया, पहले कद्दूकश किया और फिर इसको हमने टैमरिंड ये इमली के पानी में भिगोया। अच्छा, इमली का हमने पल्प निकाल लिया पहले, बाकायदे से रात में भिगो के इमली का पल्प ले लेते हैं, और फिर हम इसमें 20-30 मिनट अपने श्रेडेड पोटैटो जो है वो उसमें सोक कर लें। क्यों रीज़न? यानी क्या कि मैं इसकी रीज़न ही क्यों भिगोते हैं? इसकी रीज़न है क्योंकि इमली के पानी में जाके ये क्रिस्प हो जाते हैं, उर्दू में आप कहेंगे ऐड जाते हैं, ये इतने क्रिस्प हो जाते हैं कि जब हम इन्हें बॉयल करेंगे, आप एक चेक कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल ये राइस की तरह ही पकेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये वो वाकई ये तो बहुत देर ये बिल्कुल ये इसकी एक्चुअली सीक्रेट है। और ये कि जब हम इसमें जब हम इसको भगाते हैं और शुगर के साथ इसको जब बनाते हैं लाइक ज़्यादा, तो थोड़ा सा हमें केयर करना पड़ता है कि इसको हम इस हद तक पकाएं कि ये बहुत मेल्ट ना हो जाए और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना रहे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आप लोग ये इसको बनाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा और बहुत ध्यान से देखने वाली रेसिपी है, नोट डाउन करने वाली रेसिपी है, क्योंकि अगर अब आपके घर में कोई दावत हो रही है तो आप लाजमी आलू का जर्दा बनाइएगा, और अपने गेस्ट को कहिएगा कि जनाब पहचानिए मैंने क्या बनाया, क्या बनाया है, और आप यकीनन वाहवाही जो है वो ज़रूर बटोरेंगी अपने खानदान में इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के लिए वाटर ज़ाहिर डालेंगे, और इसका हम जर्दी का कलर डालेंगे, फूड कलर होता है येलो। अच्छा, पानी में ही डालेंगे। हाँ जी, तो हम सबसे पहले इसमें फूड कलर डालेंगे जो हमारा जर्दी का ट्रेडिशनल कलर है, आपको पता है।
अच्छा जर्दा तीन कलर भी बनता है ना, कि जो अलग जो मोतिया जर्दा जिसे कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल, वो भी जर्दा बनता है और उसमें वाकई तीन कलर होते हैं इसमें, एक ये ऑरेंज कलर होता है, ग्रीन एंड रेड। रेड बिल्कुल। और ये हम येलो वाला बना, ये हम येलो वाला बना रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये जर्दा है, जब खाएंगे तो आप डिफरेंट बता सकेंगे। दिस इज रियली समथिंग न्यू फॉर मी एंड समथिंग रियली डिफरेंट फॉर मी एज़ वेल। डिफरेंट है। आप मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपने कहाँ से? ये एक्चुअली हमारी नानी के यहाँ बनता था और बचपन में हम इसको बिल्कुल नहीं संभाल पाते थे, हम बहुत ट्राई करते थे बनाने की, अम्मी के नानी के बाद जो हमने खाया अम्मी के हाथ का खाया। अच्छा, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ख्याल से मैं इतना अच्छा बनाती हूँ। आप एक्सपर्ट हो गई हैं, हमें जो है वो प्रॉपर बनाना सिखा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा डिजर्ट है जो मतलब बहुत ही खूबसूरत रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा और टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट और खूबसूरत मतलब मजेदार होगा बहुत। आई एम श्योर ये कुछ जो है वो जबरदस्त। चले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पानी बॉईल करने रख दिया यहाँ पर, कलर डालकर थोड़ा सा इसको चला लेंगे हम कलर को ताकि ये अच्छे से। अच्छा आप, अच्छा इफ्फत मैं आपसे सवाल भी करूँगी। बोलिए बोलिए। पता है मैं अपने नाज़रीन के एक नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि आलू जो है वो 16th सेंचुरी में जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। बिल्कुल। और ये कहते हैं, और शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा या शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आलू पसंद नहीं होगा, वरना आलू तो मेरे ख्याल सबको ही पसंद है। तो वरना हम लेकिन इस भीगे हुए पोटैटो को इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे बल्कि इसको अच्छे से धो लेंगे। अच्छा, इसमें टैमरिन का कोई भी मज़ा नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, फ्लेवर नहीं आना चाहिए। फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो हम इसको, क्योंकि हमने इसको 20-30 मिनट से सोक किया हुआ था, तो हम इसे एक स्ट्रेनर लेंगे और धो के ले आएंगे। सही, आप वहाँ पे स्ट्रेनर। जब तक यहाँ पे मैं इसको बॉईल कर रहे हैं उसमें कुछ चलाना वलाना तो नहीं है अभी ना? सही। तो जनाब आलू की हम बात कर रहे थे, तो आलू तो हर किसी को पसंद होते हैं और आलू की बहुत ही डिफरेंट तरीके से सब्ज़ियाँ भी बनती हैं। आप फ्रेंच फ्राइज तो सबके हॉट फेवरेट होते हैं, ऑफकोर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हैं फ्रेंच फ्राइज जो आलू से बनते हैं। और उसके अलावा आलू की सब्ज़ी है, आलू आप जो है वो कचौड़ियों के साथ भी खा सकते हैं, मज़ेदार सी यम यम। और डिफरेंट तरीके से आलू बनते हैं, खट्टे आलू बनते हैं, आलू का सालन बनता है और हर चीज़ में आलू का इस्तेमाल होता है जनाब। और यहाँ पे अच्छा इसमें भी हम जो है देखें ये, हाँ ये देखें हमने कितने साफ इसको धो लिए हैं ना, पूरा वो पानी निकाल लिया जो हमने इस पर्पज से डाला था कि ये क्रिस्प हो जाएंगे आलू ना। सही। अच्छा ये बाकी काम भी है। अच्छा खत्म हो गया इसका काम? इसका काम हमारे पास खत्म हो गया। अब हम अपना ये जो पानी हमारा ऑलरेडी बॉयल हो रहा है। सही। अच्छा इसे हमें स्ट्रेनर में रखना है इसको, ताकि जब तक इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाएगा और हमारा वाटर भी बॉयल हो जाएगा। सही जनाब। जब तक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि एक बहुत ही यूनिक डिश बन रही है आज रवायतों की लज्जत पे, जो कि है आलू का जर्दा। तो देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत। और जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और ब्रेक में इफ्फत ने उसमें केवड़ा एसेंस किया है। अब ये सारे आलू हम इसमें डाल देंगे बॉईल होने के लिए। बस ये हमें ज़रा सा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। देखिए हमने सारे जो हमारे श्रेडेड पोटैटो थे वो इसमें डाल दिए और हमें ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हमारे पोटैटो बॉईल होंगे तकरीबन 5 मिनट और उसके बाद हम इसको भगा रहे हैं। कितने लिए थे आपने, कितने आलू श्रेड किए हुए? तकरीबन 4-5 मीडियम साइज, 4-5 जी। आप 4-5 अदद दीजिए। ये हमारे 2 कप बनते हैं, अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से पूछ रही हैं तो 2 कप श्रेडेड पोटैटो। अच्छा नहीं, आई गेस 4-5 अदद ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। हाँ दैट्स गुड, मीडियम साइज, मीडियम साइज के 4-5 अदद। इसका काम हमारा खत्म हो गया वो। सही। अच्छा चीनी बीच में अभी ऐड करेंगे हम? जी, अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही भगाएंगे जैसे हम आलुओं को चावल का जर्दा भगाते हैं। सही। तो चलें अब हम दूसरे काम शुरू करते हैं। हम इसको ऑन करते हैं और हमें ऑयल चाहिए होगा। ऑयल चाहिए आपको? बिल्कुल। अच्छा मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी सहूलत और टेस्ट के हिसाब से घी, मक्खन
सब कुछ यूज कर सकते हैं और देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल जो लोग लाइक करते हैं उनके लिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन मोस्टली मैं अपनी कुकिंग ज्यादातर ऑयल में करती हूँ जी। और हम इसमें ऑयल ज्यादा नहीं डालेंगे वर्दा, ये देख लें तकरीबन 2 टेबल स्पून आप समझ लें हम इसमें डालें। अच्छा कम ऑयल डालें, कम ऑयल, क्योंकि ये राइस नहीं है ना जो जस्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे, पोटैटो है। सही सही, तो अच्छा ये तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि आपने ज्यादा जो है इसमें ऑयल यूज नहीं होगा। और ये देखिए ये है क्लोव लौंग, हाँ जी, और इसको हम 2-3 इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, क्योंकि हमें आलू की खुशबू को खत्म करना है, ठीक है। और इसकी खुशबू होती है एक अपनी भी, सही। इलायची और बिल्कुल इसको हम भगार करने के लिए लौंग और ये इलायची जिसे ग्रीन कार्डिमम भी कहते हैं, अच्छा। और हम अपना जो ये मेवा है थोड़ा सा हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। अच्छा ये लौंग की इलायची के साथ ही कर लेंगे? हाँ थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, कोकोनट का हमेशा आप देखें टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अगर इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया जाए तो। और ये हम आधे यूज़ करेंगे, आधे हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। सही, ठीक है। रेजिंस भी चाहिए आपको? जी बिल्कुल चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच। अच्छा आपने ऑयल में से लौंग और इलायची नहीं निकाली तो वो मुँह में नहीं आएगी या अपना बाद में निकालेंगे? नहीं निकालेंगे नहीं, इसकी खुशबू होती है, इसका एक अलग अरोमा होता है लौंग और इलायची का, वो इसमें अगर आप खा रहे हैं तो फिर मुँह में आ जाता है, अक्सर घरों में पसंद नहीं किया जाता है ना, वो कहते हैं आप रख सकते हैं। हाँ निकालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें, जब नहीं लाइक करते आप उसको साइड पर रख लें। हाँ ठीक है। अच्छा ये हमारा सब कुक हो रहा है, हल्का हल्का सा फ्राई हो रहा है, मीन टाइम में हम अपने जो हमारे पोटैटो वो बॉयल हो रहे हैं इनको देखेंगे, और जैसे बिल्कुल चावल की हम एक कनी रहने देते हैं ना देते हैं, इसी तरह हम इनको चेक करेंगे। अच्छा इसमें भी कनी आएगी, तो ये मैं चाहूंगी कि आप क्लोज शॉट में इसको, अरे वाह आप कौन कहेगा कि ये पोटैटो है, देखिए आप ये, और ये बिल्कुल तैयार है बनने के लिए ना, ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम इसको स्ट्रेन करेंगे। सही। अच्छा ये भी यहाँ पे जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, इसको बंद कर देते हैं हम थोड़ी देर ताकि ये हमारा ख़राब ना हो। आप इसको स्ट्रेन आउट कर लीजिए कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, पीछे स्ट्रेनर रखा हुआ है। जी 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 सही सही है। अच्छा इसको मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ। जी सौते कर लीजिए ताकि, अच्छा इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और कोकोनट जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा भी होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा स्टोव यहाँ बंद कर दिया है ताकि जले ना। आपको पता है कि आलू जो है 1536 में जो है वो यूरोप में लाया गया था, उसके बाद से जो है ये पूरी दुनिया में जो है ये फेमस हो गया है। और आलू के बारे में कुछ खसूसियात बताती चलूँ आपको कि आपको पता है सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार कहाँ पे है इफ़त? हमारे नाज़रीन को पता है ये बात, ये एक बहुत अच्छा सा एक जनरल नॉलेज का सवाल है। आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे भी कुछ अर्न करके जाऊँ ना। सबसे ज्यादा आलू जो है वो चीन में पाया जाता है। अच्छा ये देखें हम इस, ये हमने ऑफ तो नहीं ऑफ किया हुआ है, चलें हम देख लेते हैं अभी। ये देखें तकरीबन 2 आप कप कह सकती हैं ये है, हाँ जी। तो हम इसमें अब हम वेट नहीं करेंगे, हम शुगर भी इसमें डाल देंगे। अच्छा साथ ही ऐड कर देंगे, साथ ऐड कर देंगे, और जब शुगर डालेंगे तो शुगर अपना पानी छोड़ेगी ना, हाँ जी ऑफ कोर्स। और वो पानी हमको ड्राई करना है इसमें ना। शुगर कितनी यूज़ की आपने? 2 कप। अच्छा। इसीलिए मैं आपको वो बता रही थी ना मेजरमेंट के पोटैटो। ये देखें इसकी शक्ल आप अभी देख लें। अच्छा इसमें आप हसबे जायका ऊपर कलाकंद या खोया भी लगा सकते अच्छा, हैं वो अपने हिसाब से, क्योंकि वेदर आपको पता है ऐसा है, गर्मी ज़्यादा है तो मैं अशरफियाँ जो जितना भी आप जो चीज़ नंबर 2 बनाना चाहें ना जिंदगी कॉफ़ी, तो आप जो है वो आलू का जर्दा बा आसानी बना सकते हैं जैसे आप चाहें, जैसे आप जर्दा। इसको हमने ढका इसलिए है कि अभी ये पूरी शुगर जो है वो मेल्ट होकर पानी छोड़ेगी, उसके बाद हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, इसे भून लेंगे, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा ये। सही। और फिर हम इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे आफ्टर 5-10। बस ये बन गया, ये जल्दी तैयार, इतनी जल्दी तैयार होता है और इतनी क्विक और इतना टेस्टी, खाने में भी जब आप टेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि ये बहुत टेस्टी है। आई एम श्योर ये बहुत ही डिलिशियस बनेगा जनाब। इस वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मेरा दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरी रेसिपी देखें, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है, आपने पूरी रेसिपी देखनी है आलू के जर्दे की। स्टे विद अस एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक। व
वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हम बना रहे हैं यहाँ पे मज़ेदार सा आलू का जरदा। अच्छा जनाब, आलू के जरदे में अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट हैं थोड़े से, जब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक पत्ते कुछ सवाल जवाब करती हूँ। ये आलू का जरदा बना रही है, एक नई रेसिपी जो है वो इन्वेंट की है उन्होंने आज यहाँ पे, बल्कि जो कि इनकी नानी की रेसिपी है उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है। तो मैं कुछ सवाल भी करना चाहूंगी इनसे, बिल्कुल देखते हैं। मैं आप समझे कि मैं जनरल नॉलेज टेस्ट ले रही हूँ। चलिए ले लीजिए आलू। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले आलू कहाँ पाया गया? आई थिंक पेरू में पाया गया। मुझे लगा आपको नहीं पता होगा ये बारे में, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब है कि पेरू में सबसे ज़्यादा जो है वो आलू सबसे पहले पाया गया था। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? आलू ही होगी। हाँ, ये मैंने जानबूझ के ट्रिकी सवाल किया था कि अब यही होगा कि आलू ही है, लेकिन नहीं जनाब, पाकिस्तान की कौमी सब्जी जो है वो भिंडी है। अरे वाह, वेरी डिफरेंट। या एग्जैक्टली, यूजली ये सब लोग अगर आप रिसर्च करें इस पर, तो भिंडी जो है वो पाकिस्तान की कौमी सब्जी में आती है। और मेरे ख्याल से आलू तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन भिंडी मेरे ख्याल से ज़्यादा घरों में खाई जाती है और ईजिली अवेलेबल है हर जगह ना। सही। अच्छा जी, और सब ये तो मैंने अभी बताया है इसके बारे में, तो इसका जवाब तो आई एम श्योर आप दे देंगी। आलू सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पाए जाते हैं? चाइना। हाँ, मैंने अभी कहा था, बिल्कुल सही, चाइना में पाए जाते हैं। अच्छा आपको, अच्छा आप जर्दा बना रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप हमें और ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जर्दा किस जबान का लफ्ज़ है? फारसी, आई थिंक जर्दा फारसी जबान का। हाँ जी, जर्दा जो है वो फारसी जबान से निकला है, और इसका बैकग्राउंड भी ऑफ कोर्स ये हम सब जानते हैं कि ये मुगलिया दौर से या फिर ईरान की साइड से जो है ये ताल्लुक़ रखता है। इसकी हिस्ट्री अगर बैकग्राउंड हम चेक करें तो ये मुगलिया दौर में बहुत ज़्यादा खाए जाते थे। अच्छा, मुगलिया दौर के खाने भी ऐसे ही होते थे कि फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और फुल ऑफ नट्स और फुल ऑफ शुगर, फुल ऑफ शुगर, और जिसमें और सब आप समझें कि जो है ना ये मुगलिया दौर के खाने हैं जो हमने अडॉप्ट कर लिए, अडॉप्ट कर लिए। अच्छा, वो टेस्ट में बहुत, नो डाउट, जी बहुत कमी होते हैं, एक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जो मुगलिया दौर के खाने होते हैं और जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन के खाने होते हैं। जो मुगलिया और शाही खाने हैं वो बाकायदा आप दावतों में रख सकते हैं, आप सर्व करते हैं। बिल्कुल, हम नॉर्मल खाने भी रख सकते हैं लाइक कोफ्ते हो गए, लेकिन कुछ डिफरेंस जो हट के किया है मुगल दौर में, जो उन्होंने जो उनके ज़माने के जो शेफ्स थे, जो कह सकते हैं खान सामा थे, वो नो डाउट बहुत मेहनत करते थे। अच्छा वर्दा, अब हम इसे डिश आउट करेंगे, तकरीबन हमारा जर्दा तैयार हो गया है। अच्छा, ये हो गया है? बिल्कुल ज़बरदस्त। जनाब हमारी जो है वो सवाल भी हो गए, और अरे वाह, ये देखें आप, इसका आप टेक्सचर देखिए जबरदस्त। अच्छा देखिए, ऑयल भी ज्यादा नहीं था, ऑयल ज्यादा नहीं था, बिल्कुल ये बिल्कुल रेडी। अरे जबरदस्त, तो वाकई बहुत अच्छा कलर आया है। चलिए, जब तक आप इसको पूरा प्रॉपर डिश आउट कर लीजिए और इसकी गार्निशिंग कर लीजिए, और जब तक आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड कर रही क्या। आलू का जरदा। अज्जा, आलू 4 अदद दरमियाने साइज़ के, चीनी 2 कप, घी 2 चम्मच, लौंग 3 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, इमली 1 छिटाक, खोया हसबे ज़ायका, चांदी के वरक 2 अदद, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, पीला रंग 1 चाय का चम्मच। तरकीब, आलू को छील कर कद्दूकस कर लें, इमली का पेस्ट बनाकर पानी में शामिल करें। अब इस पानी में आलू को भिगो दें 20 मिनट के लिए। एक बर्तन में पानी उबालने के लिए चूल्हे पर रखें और पानी में पीला रंग और केवड़ा शामिल करें और कद्दूकस किए हुए आलू डाल दें। 10 मिनट के बाद आलू छलनी में रख कर पानी निकाल दें। एक बर्तन में तेल डालें, इसमें लौंग और इलायची डाल दें, फिर कद्दूकस आलू डालें और चीनी डाल दें। 3 मिनट तेज़ आँच पर पकाने के बाद चूल्हा हल्का कर दें और 10 मिनट पकाएँ। डिश आउट करके बादाम पिस्ते से गार्निश करें। जायकेदार आलू का जरदा तैयार है। नोट कर लिया इन्होंने आई एम श्योर, और करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना यम्मी और मज़ेदार सा है, और कलर भी कितना खूबसूरत सा है। और आप इसको टेस्ट भी कीजिए ताकि आपको पता चले, थोड़ा ठंडा हो जाए, मैं लाजमी इसको टेस्ट करूंगी। जी बिल्कुल। और जब तक इसी, पहले हम गार्निशिंग करेंगे, गार्निशिंग के बगैर मज़ा नहीं आएगा इसकी। और मैं और गार्निशिंग में अब हम किशमिश नहीं डालेंगे, क्योंकि किशमिश आपने देखा हमने रोज कर दिया है ना, इसमें तो हम थोड़े सा ये डालेंगे पिस्ते बादाम, जो ऑलवेज खूबसूरत लगते हैं। और आपने पकने के दौरान एक सवाल किया था कि ये इलायची और लौंग
अगर तो जैसे ऐसे ऊपर नजर आ रही है ना, डिस्कार्ड कर सकते, हाँ आप इसको डिस्कार्ड कर सकते, यहाँ भी एक लॉन्ग नजर आ रही है, आप कर दें उसे, हाँ, ताकि ये बादाम और पिस्तों के दरमियान बीच में अच्छा छुपा के जो है आपके मुंह में ना आए और टेस्ट खराब ना करे आपके मुंह का। ये देखिए इसमें हमेशा आप इसमें मैंने बताया जैसे खोया और बर्फी या कलाकंद जो आपके घर में है और अशरफी जैसे हम जो भी आप डालते हैं जी बिल्कुल में, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए ये हमारी एक ट्रेडिशनल चीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो जल्दे की जान है, बिल्कुल ये चांदी का वर्क, सही। ये देखिए जनाब, देखिए हमारी रिवायात जो हैं आप उनको फॉलो करें तो आपकी डिशेस वैसे ही बहुत टेम्पटिंग और लजीज लगती हैं। खोका भी थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा जी साइड पे डालेंगे, सही, थोड़ा खूबसूरती के लिए, ये जाहिर है आपको टेम्पटेशन देने के लिए ये अट्रैक्टिव आपको लगता है। वैसे भी खाना जो है वो पहले आंखों से और नजरों से खाया जाता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसको, ये हमारा मजेदार जरदा तैयार, आलू का जरदा, आलू का जरदा, तो मैं इसको जरूर टेस्ट करूंगी और मैं बताऊंगी आपको क्योंकि मैं सबर नहीं कर सकती हूँ। आई रियली वॉन्टेड टू टेस्ट, थोड़ा ठंडा हो जाइए और ये ठंडा हो के एक्चुअली इलायची इलायची आई नहीं 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 बादाम, मैंने बादाम के लिए बादाम लिया, सही। आप कुछ कह रही थी ठंडा होके, क्या ठंडा होके ये और आपको देखने में और बिल्कुल वो अलग अलग हो जाता है चावल की तरह, चावल की तरह, और जब आप निकालेंगी तो अच्छा लगेगा आपको प्लेट में। नहीं मुझे अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाकई नो डाउट, ये कोई नहीं कह सकता कि ये आलू का बना है। हाँ आलू का तो कोई नहीं कह सकता जब तक पकते हुए ना देख लें या उनको पता ना चल जाए, ये तो आप चैलेंज कर सकते हैं। मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूँ इस चीज की। अच्छा मीठा भी बिल्कुल बैलेंस्ड है और बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। आई एम श्योर ये अभी जब हमारा शो ख़त्म होगा जितने भी स्टूडियो में जो है मेरी टीम बैठी सबकी नज़रें जो है वो जर्दे पे हैं, उनको लाजमी पता है जर्दा बहुत मज़े का बना है और ये नो डाउट बहुत अच्छा बना है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी घर पर, मेरा हाथ नहीं रुक रहा, दूसरा चम्मच मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच इफ़त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना डिलिशियस इतना यमी जर्दा और डिफरेंट और यूनिक बनाना सिखाया आपने, सही। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ मैं ये कहना चाह रही थी व्यूवर से कि वो ज़रूर अपने घर में इस जर्दे को ट्राई करें और सरप्राइजली ये मीठा रखें और पूछें मेहमानों से कि उन्होंने क्या खाया है। ये तो मैं भी आपसे कहूँगी कि एक बार लाजमी आप ये ज़रदा जो है वो ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और चुपके से ट्राई कीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं आपने कैसे बनाया और क्या बनाया है, बस ये कहिएगा कि जी ज़रदा बनाया है आज मैंने और आप खा के देखें और बताएं कैसा बना है। आई एम श्योर, बल्कि मैं श्योरिटी देती हूँ इस चीज़ की, कोई पहचान नहीं पाएगा और जब आप उनको बताएंगे कि आपने आलू का जरदा बनाया है तो कोई यकीन नहीं करेगा, बिल्कुल ये कोई कंफर्म को यकीन नहीं करेगा। आपने बनाना है, ये सब कुछ करना है अपनी फैमिली के साथ और फिर हमें बताना है अपना फीडबैक देके कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी आपकी फैमिली को। और अगर आपके पास भी है कोई ट्रेडिशनल रेसिपी जो आप हमारे साथ या हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको इनवाइट करेंगे अपने शो पे ताकि आप अपनी रेसिपी शेयर कर सकें हमारे व्यूवर्स के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहूँगी आपसे, फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी और नई गेस्ट के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।